नमस्कार दोस्तों, समय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, और बहुत से अभ्यर्थी जो 12th पास कर चुके हैं और PSTC करने का सपना देख रहे थे, सपनों को साकार करने के लिए हाल ही कल में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ और उसमें है कि BSTC के लिए जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं, वो आज की डेट से फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो ये जो फॉर्म है वो 11/5/2024 से है, वो स्टार्ट हो चुके हैं और 11/5/2024 से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है, वो डिसाइड की गई है, यानी 31 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इससे पहले पहले अपने को फॉर्म भरना है। और साथ में ही एग्जाम की जो डेट है वो भी डिसाइडेड हो चुकी है, यानी अपनी जो एग्जाम डेट की बात करते हैं तो वो लगभग इन्होंने कहा है कि 30 जून को अपना एग्जाम हो जाएगा। तो 30 जून को अपना एग्जाम होगा, यानी अभी अपन फॉर्म भरते हैं तो अपने पास 2 महीने का समय है वो इसके साथ में रहता है। 30 जून को एग्जाम ये संभावित है, ये संभावित डेट है। अगर आगे पीछे कुछ होता है तो इसके लिए न्यूज़पेपर में अलग से सूचना दी जाएगी। और इसके लिए जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहे उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती हैं। तो उसके लिए पहली यह है कि उसके पास में 12वीं पास होना जरूरी है, बिल्कुल सही, 12वीं पास। और कोई अभ्यर्थी अगर 12वीं में इस बार एग्जाम दिया है, 12th में पढ़ रहा है, आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से किसी बैकग्राउंड का है, तो वो भी इसको फॉर्म भर सकता है। ध्यान रहे कि अगर वो क्लियर हो जाता है तो काउंसलिंग के समय में उसके पास है मार्कशीट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और उसके लिए जो जनरल कैंडिडेट है उसके पास 50% न्यूनतम होना जरूरी है। यदि उसके पास 50% है तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसके लिए एलिजिबिलिटी रखता है। और जो कैटेगरी वाले हैं जिसमें SC है, ST है, OBC है या PWS है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं, या फिर तलाकशुदा या विधवा जो महिला होती है वो भी इसके लिए पात्र होते हैं, और उनमें उनको रियायत दी जाती है, वो 5% की रियायत दी जाती है। तो 45% अगर उनके पास में है तो वो उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी 1% भी कम हो जाता है या 0.001% भी कम है तो उसके लिए है वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई कैटेगरी में आ रहा है तो उसके लिए कम से कम 40% अंक होना आवश्यक है, और अगर वो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए उसके पास 50% बहुत ही जरूरी है। साथ ही अपन जिस कैटेगरी से संबंधित कर रहे हैं उस कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट अपने पास होना बहुत जरूरी है। और ध्यान रहे, सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए। कहीं ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो जिनकी वैधता वैलिडिटी है वो 1 ईयर है, 2 ईयर या 3 ईयर ही होती है। जैसे कि OBCM में मानते हैं तो OBC का 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वैसा EWS वालों के लिए ये रहता है कि उनका 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ये सामान्य बातें हैं, सामान्य जानकारी अपने पास होनी चाहिए। और ये जो फॉर्म है वो आप चाहे आपके घर पे अगर सुविधा है तो आप घर से भर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो नज़दीक किसी ई मित्र पे जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हो। अब फॉर्म में है वो 2 कैटेगरी डिवाइडेड की जाती है इसमें, एक तो होती है वो जनरल है जो सामान्य कह सकते हैं, और दूसरा होता है संस्कृत डिपार्टमेंट वाले, संस्कृत के साथ में भरी जाती हैं। तो दोनों पाठ्यक्रम के लिए रहती हैं। अब दोनों में कोई अभ्यर्थी करना चाहता है तो दोनों के लिए फीस रहती है, वो 500 रुपये फीस रहती हैं, और अगर एक ही करना चाहता है तो 450 रुपये फीस भी रहती हैं, ठीक है। और इसकी जो सूचना है और भी उसमें कोई अपडेशन होता है तो SMS के द्वारा कैंडिडेट को है वो दी जाती हैं, और आप अपना जो मोबाइल नंबर है सही रूप से भरे ताकि आपको सारी की सारी सूचना है वो मिल जाती है। अच्छा, फॉर्म भरते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फोटो एक वो नवीनतम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि 5 साल 10 साल पुराना हो जिसमें आपका चेहरा भी वो नहीं मिले। तो एक तो नया फोटो हो आपके पास में, आपकी लेटेस्ट साइन हो उसके ध्यान में, और सारे के सारे दस्तावेज वो भी आपके पास हो ताकि आप सही जानकारी भरें। भले आप ई मित्र वाले के पास जाके फॉर्म भरवा रहे हैं लेकिन ध्यान रखना, फॉर्म ई मित्र आपका फॉर्म भर रहा है, आपके बिहाफ पे भर रहा है, तो किसी भी गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ई मित्र वाला आपकी फॉर्म की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आप आराम से बैठे, बातें नहीं करें, अपना फॉर्म को पूरा देखें और उसमें सारी की सारी जानकारी है वो सही रूप से भरे। अगर फॉर्म में कोई गलती रही तो उसके लिए ई मित्र वाला जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए व्यक्ति है वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। और आप राजस्थान से संबंधित हो, राजस्थान के फॉर्म अभ्यर्थी हो, तो अपने को रिजर्वेशन का लाभ लेना है, कैटेगरी का लाभ लेना है, तो आपके पास राजस्थान का मूल निवास या बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखना है। और वो STM साहब द्वारा निर्धारित एक फॉर्मेट होता है उसी के रूप में होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर ऐसी जानकारी नहीं है तो फिर अपने को दिक्कत हो सकती है। कोई अभ्यर्थी महिला है और वो विवाहित हैं और विवाह करे तो उनका विवाह का पंजीकरण होना बहुत ही आवश्यक है।
यदि वो विवाहित हैं और उसको 1 साल 2 साल हो चुके हैं और पंजीकरण नहीं करवाया, तो उनको भी कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे नवविवाहक जिनका विवाह हाल ही में हुआ है, तो उनको विवाह का पंजीकरण भी जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं के उनके लिए काम रहेगा। एक नई चीज और ध्यान रखना है कि आप जब भी फॉर्म भरे तो अभी या फिर काउंसलिंग करें उस टाइम बैंक डिटेल आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि कहीं बार फॉर्म भरते टाइम आपके पास बैंक डिटेल मांगी जाती है, और वो इसलिए मांगी जाती है, हालांकि अब जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो ये है कि अगर आपको काउंसलिंग में नंबर नहीं भी आता है तो आपको फीस है वो रिफंड हो जाती है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, आगे ध्यान रहेगी। अच्छा, जो बीएड जो डीएलएड अपन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए एक सिलेबस की फ्रेमिंग भी की गई है, और वो सिलेबस की फ्रेमिंग है वो इस तरह से है कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ये बस द में, और इस द में ये जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 150 होती है, और 150 एक प्रश्न होता है वो 3 नंबर का माना जाता है, यानी कुल जो नंबर होते हैं वो 600 नंबर, यानी 150 प्रश्न होते हैं और 600 नंबर का पेपर होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें से पहला पार्ट अपन मानते हैं मेंटल एबिलिटी का होता है, और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। पार्ट सेकंड जो अपन कह सकते हैं वो राजस्थान की सामान्य जानकारी का आता है, और ये भी 50 क्वेश्चन के साथ में 150 नंबर का पेपर रहता है। शिक्षण अभिसमता से जुड़ा पार्ट सी रहता है, और ये भी 50 नंबर के साथ में 50 क्वेश्चन के साथ में 150 नंबर का ये रहता है। और फिर पार्ट द की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में रहता है। तो इसमें अपने को 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आते हैं, 30 क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं, और 30 ही आपके हिंदी के आ जाते हैं। इस तरह से इसका जो नंबर का वेटेज हो जाता है वो अंग्रेजी में 60 नंबर का रहता है, संस्कृत में 90 नंबर का रहता है, और हिंदी में भी 90 नंबर का रहता है। तो इस तरह से ये पार्ट डी भी है वो आपके 50 क्वेश्चनों सहित 150 नंबर का रहता है। पेपर और पेंसिल के द्वारा एक सिंपली टेस्ट होता है, टेस्ट की डेट आपको दी गई है, उसी निर्धारित डेट को होगा। अगर डेट में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी अपने को अलग से न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाती है, और हमारे से भी जुड़े रहिए, ऐसी कोई अपडेट होगी तो हम भी आपको उपलब्ध है वो करवा देंगे। आपको परीक्षा देते समय समय ध्यान रखना है कि आपको एक सिंपली OMR फॉर्मेट में पेपर होता है, तो आपको लिखने के लिए एक पेन की जरूरत होती है, वो पेन लेके जाना है, और बाकी सारी जानकारी आपके मिल जाएगी, सेंटर कहाँ आता है, कब आएगा, कैसे होगा, तो वो सारी जानकारी अपने को मिलती रहेगी। तो अपन उसके लिए तैयार रहेंगे, और ये आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आप स्वयं भरे, मित्र के माध्यम से भरे, अपने सहयोगियों के माध्यम से भरे, तो इसके बारे में आप अपना प्लान कीजिए, विचार कीजिए, और लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर ए मित्र पर जाके अपना फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये GSTC करने के बाद आपका करियर काफ़ी हद तक वो अच्छा हो सकता है, बनने की संभावना भी होती है कि उसके बाद 2 साल बाद आप कोर्स करोगे तो रीट का एग्ज़ाम की क्लियर कर सकते हो, उसके बाद 3rd grade टीचर है उसकी तैयारी कर सकते हो, तो आप एक टीचर अच्छे से बन सकते हैं। तो आज ही बिना किसी देर किए, बिना किसी इंतजार के अभी नज़दीकी ई मित्र पे जाइए और अपना फॉर्म डाल दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।